Bal? Asur Raj! वहीं रुक जाओ कटकासुर, जिस विघ्नासुर से तीनों लोग डरते हैं, उस विघ्नासुर का सिपाही किसके भय से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है? असुर राज, ये भय नहीं है, ये क्रोध है। महर्षि अर्जुन ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, वो पूरा हवन कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे? कानासुर, सिंहासुर, साज। तुम दोनों भाई इसी समय महर्षि अर्जुन के आश्रम में जाओ और उन्हें ऐसे मृत्यु दो जिसके उपरांत तीनों लोकों में हमारी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। असुरों की ऐसी हालत करे? असुरराज, आप आज्ञा दे तो इसी समय महर्षि अर्जुन का सर काट के आपके पैरों में चढ़ावा चढ़ा देता हूँ। नहीं कनकासुर, मेरे सेनापतियों को मारकर उस महर्षि ने मुझे चुनौती दी है जिसे मुझे ही स्वीकार करना होगा। जैसी असुरराज की इच्छा, किंतु इन दोनों की दशा देखकर मैं यही कहूंगा कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। असुरराज, हो सकता है कि जाओ। क्षमा असुरराज। क्षमा की आवश्यकता नहीं है टंकासुर, हमारे अस्त्र शास्त्र तैयार करवाइए। पता नहीं कौन सा बवंडर है ये जिसने ये लीजिए। अरे बस 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 कीजिए पार्वती, और कितना खिलाएंगे आप? क्या आपको मेरे हाथ की रसोई अच्छी नहीं लगती? आप जैसी रसोई तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बना सकता पार्वती। पता नहीं ये बाल गणेश अब तक क्यों नहीं आया, आज तो ढेर सारे मोदक बनाए हैं मैंने उसके लिए। उन्हें आने में अभी समय है पार्वती। अर्थात? अर्थात आपके पुत्र को हमने मानवता की रक्षा करने का कार्य सौंपा है। महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है, उसे कहीं कुछ हो गया तो मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। पार्वती, आपके पुत्र बाल गणेश सृष्टि का आरंभ है, उन्हें कुछ होने का अर्थ यानी सृष्टि का अंत। अर्थात? आप अर्थात बहुत पूछती हैं पार्वती। वो ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम गम गणपतेय नमः स्वाहा। ओम अग्नि देवाय। धूर्त महर्षि, यदि जीवन प्रिय है तो रोक दे इस हवन को, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धूल में मिला दूंगा।
ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। बग्गम प्रभु, अगम बोल रहा है कि समस्या गंभीर होती जा रही है, आपको महर्षि की रक्षा हेतु जाना चाहिए। तुम निश्चिंत होकर फल खाओ बग्गम, इतने स्वादिष्ट फल छोड़कर कोई मूर्ख ही जाएगा यहाँ से। ओम भूर्भुव स्वाहा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा रोक दो यह हवन। महर्षि ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। आदरणीय ऋषि जन और शिष्यों, आप इस हवन को बंद ना होने देना। जो आज्ञा महर्षि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। महर्षि, हवन को बंद किए बिना मेरे पास आने का अर्थ समझते हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है असुरराज, किंतु यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ और भविष्य में यहाँ मुड़कर भी मत देखना। ऐसा कहकर तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। महर्षि, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुप जाओ असुरराज। हाँ, तुम कौन हो बालक और यह सब कौन है? तुम कैसे असुरराज हो विघ्नासुर, जो बाल गणेश के बारे में नहीं जानते? ये महापराक्रमी बाल गणेश हैं और हम इनके सखा। ये अगम, ये बग्गम, ये नंदी और मैं प्रभु के प्रिय वाहन मूषक राज। मूषक हो या विदूषक, जीवित रहना चाहते हो तो जाओ अपनी माँ की गोद में छुप जाओ। असुर राज, इस प्रकार की अभद्र भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। अपनी शक्तियों को समाज कल्याण में लगाइए। क्यों व्यर्थ हत्याएं करते रहते हो? मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूंगा बालक। कौन है यहाँ जो मुझे रोकेगा? मैं तुम्हें रोकूंगा विघ्नासुर, मैं तुम्हारी बुराई का विनाश करूंगा। धरती से अभी छटाक भर बाहर नहीं निकले हो बाल गणेश, और असुर राज को मारने की बात करते हो? यदि है बल तुम्हारी बाजुओं में तो आओ मारो मुझे, मारो। अब इसका क्या होगा? क्यों क्यों क्या हुआ? होना क्या है असुर राज, तुम गए काम से। असुर राज, जब कभी मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो अवश्य दे देता हूँ। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा तो मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तथास्तु। अभी भी समय है विघ्नासुर, यदि तुम अपनी शक्तियों को सही कार्य में लगाने का वचन दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मायावी बालक, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो तुझे तेरे परिवार सहित इसी स्थान पर जीवित काट दूंगा। बड़े तो हो गए हो तुम असुर राज, पर बुद्धि नहीं आई। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है विघ्नासुर। नहीं। विघ्नासुर के अत्याचारों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बाल गणेश। आज से आप विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाएंगे। विघ्नहर्ता बाल गणेश की जय। महर्षि, ये जय तो ठीक है
किंतु यदि आपके आश्रम में खाने को मोदक है तो कृपया जल्दी से ले आइए, बहुत भूख लगी है। पता नहीं ये दुष्ट लोग कब समझेंगे, इन्हें मारते मारते तो मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बालगणेश, हमें भी जोर से भूख लगी है। तो चलो माँ के हाथ के बनाए हुए मोदक खाते हैं। अरे बाल गणेश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी जाओ और ये खीर मेरी प्यारी सखी लक्ष्मी जी को दे आओ। पर माँ, हमें भी बहुत भूख लगी है। वो सब बाद में, पहले इसे दे आओ। ठीक है माँ, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाने की व्यवस्था कीजिए। जी स्वामी। रुक जाइए माते। अरे बाल गणेश, क्या हुआ? तुम इतने दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी माते, सब ठीक है। वो माँ ने आपके लिए खीर भेजी है, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। ये लीजिए। अब आज्ञा दे माता, मुझे जाना होगा। आयुष्मान भव। मेरी सखी पार्वती को हमारा आभार कहना। आप तो बड़े भाग्यवान हैं स्वामी, आपको भूख लगते ही खीर स्वयं चलकर आपके पास आ गई। आती कैसे नहीं लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी सौभाग्य है उसका। बात तो आपकी सही है। क्या हुआ लक्ष्मी, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। खुश होने की तो बात है स्वामी, धरती पर मेरा यश निरंतर बढ़ता जो जा रहा है। आजकल मानव सुख शांति की जगह मुझे मांग रहे हैं। वैसे अच्छा ही है, मेरा आशीर्वाद जिसके साथ हो वो ब्रह्मांड के सारे सुख पल भर में पा लेता है। लक्ष्मी की बातों में तो घमंड दिखाई दे रहा है। वैसे लक्ष्मी, यदि आपका दिया हुआ धन किसी को भी मनचाहा सुख देने के योग्य है, तो आप तो स्वयं धन की देवी हैं, फिर अब तक आप मातृत्व के सुख से वंचित क्यों हैं? वैसे खीर सच में बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए, आइए ना। हमें क्षमा करना लक्ष्मी, किंतु आपके इस घमंड के वृक्ष को अभी काटना जरूरी था। माते, बिना किसी विलंब के मातृत्व का सुख भोगने का एक उपाय है मेरे पास। आप किसी बालक को गोद ले लीजिए। बालक को गोद ले लूं? ये तुम क्या कह रहे हो शेषनाग? नहीं नहीं माते, वो मैं क्षमा क्षमा माते, भूल हो गई मुझसे। नहीं नहीं शेषनाग, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि बल्कि तुमने तो बहुत उत्तम विचार दिया है, बालक गोद लेना ही सही रहेगा। Yeah.
ओहो, और कितना समय लगेगा इनको सबक सिखाने? घर जाके माँ के हाथ के मोदक खाने हैं। प्रभु बस हो ही गया, थोड़े जिद्दी हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। चलो चलो जल्दी, माँ ने मोदक बना के रखे होंगे। चलो। लक्ष्मी, हमें देखना होगा कि ऐसी कौन सी माता है जो अपनी संतान बिना किसी परेशानी के तुम्हें दे दे। मैं अभी इस कार्य का भार कार्तिकेय और बाल गणेश को सौंप देती हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे। कार्तिकेय और बाल गणेश, सखी पार्वती, तुम्हारे दो पुत्र हैं, क्या तुम मुझे कार्तिकेय या गणेश में से किसी एक को नहीं दे सकती? ये तुम सखी, मेरी इस विनती को स्वीकार कर मुझे मातृत्वता का सुख दे दो। सखी लक्ष्मी, तुम जितना आसान समझ रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। कार्तिकेय का असल रूप 6 मुख वाला है और वो हर मुख से भोजन करता है। उसका भोजन बनाते बनाते तुम थक कर हार जाओगी। तो फिर तुम मुझे बाल गणेश दे दो। बाल गणेश को रखना भी आसान नहीं है लक्ष्मी, वो बहुत बड़ा शैतान है, तुम्हें सारा दिन अपनी उंगली पर नचाता रहेगा। उसे संभालना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है लक्ष्मी। पार्वती, यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बाल गणेश की हर शैतानी को सहन कर लूंगी तो? कहो सखी, तो क्या तुम मुझे बाल गणेश दे दोगी? प्रणाम लक्ष्मी माता। आयुष्मान भव बाल गणेश। आप मुझे अपना पुत्र कहकर संबोधित कर सकती है माते? अर्थात? मैंने और मेरे मित्रों ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम कहना क्या चाहते हो बाल गणेश? माँ, लक्ष्मी माँ मुझे अपना दत्तक पुत्र बनाकर मातृत्व का सुख पाना चाहती हैं। ये तो आपके पुत्र का सौभाग्य है माँ। इस प्रकार मुझे एक नहीं दो दो तेजस्वी माताओं की ममता का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। बगम। प्रभु ये कह रहा है कि अगर आप बैकुंठ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने मित्रों को छोड़कर नहीं जा सकते, हमसे आपका जाना सहन नहीं होगा। आपको ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार तो हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बस 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 बगम बस, क्या ये सब अगम ने कहा? क्षमा प्रभु, उसने तो केवल पहला वाक्य बोला था, बाकी तो मैंने अपने मन की बात कही है। हाँ प्रभु, बगम ने सही कहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरे लिए क्या बैकुंठ और क्या कैलाश, मैं तो वहाँ रहकर भी सबके साथ ही रहूँगा और ये पक्की वाली बात है। पर लगता है तुम सब लोग तो मुझे भूलने की तैयारी में लगे हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, हम तो आपके शरीर का अंग हैं, हम कैसे अब... हाँ प्रभु, आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। रहने की सोचोगे तो भी मैं रहने नहीं दूंगा। तो माँ, क्या निर्णय है आपका? लक्ष्मी, एक माँ की जान उसके बच्चों में बसती है, अपने अलावा किसी और को बाल गणेश की माँ कहलाने का अधिकार देना मेरी कल्पना से बाहर है। किंतु फिर भी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है पार्वती? जिस प्रकार मुझे दो दो पुत्रों की माँ होने का सुख मिला है, वैसा ही सुख मेरी सखी को भी मिलना चाहिए। क्या सच पार्वती? हाँ सखी, मैं अपने बाल गणेश को आज से तुम्हारा दत्तक पुत्र घोषित करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत आभार सखी। तुम जैसी सखी और बाल गणेश जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें मेरी सभी व्यवस्थाएं और समृद्धि मिले। दीपावली के दिन या कोई भी पूजा, मुझे पूजने वाले को
तुम्हें अवश्य पूजना होगा। तीनों लोगों में जो भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उससे कोसों दूर रहूंगी। सखी, निसंदेह तुमने बाल गणेश को मेरा पुत्र घोषित कर दिया है, किंतु इस संसार में तुम ही बाल गणेश की माँ कहलाओगी। माँ लक्ष्मी पार्वती की जय, बाल गणेश की जय। रुक जाओ मित्रों, तुम सब भूल गए क्या? हमें भूख लगी थी, इसलिए हम यहाँ दौड़ कर आए थे। अब जबकि लक्ष्मी जी भी मेरी माँ बन चुकी है, तो आज का भोजन इन्हें ही बनाना होगा। चलिए माते, जल्दी से मुझे 100 और इन सब के लिए भी 100-100 मोदक बना दीजिए। 100-100 मोदक सबके लिए? मूषक, नंदी, ब्रिंगी, अगम, बगम, सभी दम लगाकर दौड़ो। जो जीतेगा उसे मैं प्रतिदिन 5 लड्डू दूंगा। दौड़ो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी अगम? ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही चिपके रहते हैं। सही पकड़ा है तुमने नंदी। मैंने भी सही पकड़ा है इसे। ये तूने सही नहीं किया दुष्टासुर, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम? कैसा परिणाम? ये तो तुम्हें बग्गम ही बताएगा। शांत बग्गम, शांत। प्रभु, बग्गम अगम को मुसीबत में देखकर गुस्से में क्यों आ जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। अगम और बग्गम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। मेरी मुर्गियों का पीछा कब छोड़ोगे? भागो! ठहर जाओ शैतानो, रुको। वाह, सब्जियां देखकर मुंह में पानी आ गया मित्र। तो सोच क्या रहे हो, आरंभ करो। अब तुम अपना कार्य आरंभ करो। अगम और बग्गम अपनी शक्तियों के साथ बड़े प्यार से जीवन जी रहे थे, किंतु उनके माता पिता के बीच महादेव के बड़े भक्त होने की होड़ लग गई और दोनों परिवार एक दूसरे के शत्रु हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के माता पिता ने उन निष्पाप बाल मन में एक दूसरे के प्रति विष भर दिया। बोलो, रहोगे ना उससे दूर? जी पिताजी। चेतावनी है तुम्हें, आज के बाद तुम बग्गम से नहीं मिलोगे। जी। हाँ,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बग्गम। मैं संध्या काल में मैदान में आऊंगा, तुम मिलोगे ना मुझे वहाँ? तुम्हारे पिताजी ने सही नहीं किया अगम, वो मेरे पिता से बड़े महादेव भक्त नहीं है, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। अगम। इसी बीच असुरों की सेना ने गांव पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया, फिर क्या हुआ प्रभु? चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। मेरे समीप मत आना, अब मैं तुम्हें नहीं जानता। बग्गम सुनो, मुझे बचाना चाहते हो? क्यों अगम? क्योंकि तुम मेरे अपने हो। अगम वैतराज के पास ले गया, जहाँ पूरे एक मास तक अगम का इलाज हुआ। और उस एक मास में बग्गम ने दिन रात अगम की सेवा की, उसकी कही हर बात का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके फलस्वरूप वो अगम की नई भाषा सीख गया।
मुझे क्षमा कर दो अगम, मेरी वजह से तुम्हारी जीवा को। और इस प्रकार अगम का निस्वार्थ प्रेम भाव देखकर बग्गम आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ गया, और तभी से अगम को मुसीबत में देखकर वो क्रोध में आ जाता है। उन दोनों की दुखद कहानी सुनने के उपरांत हम आत्मग्लानी हो रहे हैं प्रभु। ऐसा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है मूषक, मित्रों के हास परिहास मित्रता को बल प्रदान करता है। आप सही कह रहे हैं प्रभु, किंतु हमें अगम बग्गम से अपने व्यवहार की क्षमा मांगनी होगी, तभी हमें हमारी आत्मग्लानी से मुक्ति मिलेगी प्रभु। लो, आ गए वो दोनों, मांग लो क्षमा। हमें क्षमा कर दो अगम बग्गम। आप भीतर कैसे आ गए? नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो तो मेरा दास है, उसकी क्या मजाल कि वो मुझे रोक सके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। और मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या कारण? नंदी ने ये ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छूट गई जतन में। कर अद्भुत संकल्प ये मन में, माँ गौरी छूट गई जतन में। पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। रुकिए, क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक,
कदापि नहीं। जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। हट मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। यह असंभव है। देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु। अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर अनर्थ कर रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको। पुत्र गणेश, आपको इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा, और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात हमेशा मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर क्रोधित हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। स्वामी ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। नहीं, पुत्र गणेश, ये आपने क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया, और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे? किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यही प्राण त्याग दूंगी। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सरधड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। जाओ किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, यदि समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। अरे मूर्खों, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। उसका मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। हाँ?
गणेश माँ। मैं इसे वरदान देता हूँ कि लोग युगों युगों तक इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वी वासियों का कल्याण करेगा। मैं इसे वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। बदमाश, सारे मोदक तुम अकेले नहीं खा सकते गणेश। मुझे पता है माँ, आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि माँ का सुख बेटे के पेट भरने से ही होता है। कितना नटखट हो गया है मेरा गणेश। ये सब मुँह लटका के क्यों बैठे हैं? क्या हुआ दोस्तों, उदास क्यों बैठे हो? प्रभु, हम पुराने खेल खेल कर उकता गए हैं। कुछ नया खेलना चाहते हैं, किंतु समझ नहीं आ रहा कि क्या खेलें। समस्या तो गंभीर है। वाह, मिल गया नया खेल। तुम सब आसपास बिखरे फूल पत्ते उठा ले आओ जल्दी। जुआ क्या प्रभु की? ये क्या है प्रभु? इसे गेंद कहते हैं। बाल श्री कृष्ण इसी तरह की गेंद से खेलते थे। अब हम खेलेंगे। मैं इसे उछालूंगा और तुम्हें इसे पकड़ना होगा। जो भी इसे पकड़ेगा वो इसे दोबारा उछाल देगा। समझ गए? समझ गए। तो ये गई गेंद हवा में। प्रभु, ये खेल तो बहुत मजेदार है। अब देखता हूँ कोई कैसे पकड़ेगा मेरी फेंकी गेंद को। आगम, गेंद तो बहुत बड़ी हो गई है। प्रभु, इस गेंद के आगे कोई आ गया तो वो मर भी सकता है। ये कैसा घोर अनर्थ कर दिया मैंने? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही मेरी नियति है। प्रभु, उधर देखिए, ऋषि मुनि। ऋषि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ऋषि वर, आप जानते बूझते मृत्यु के सामने क्यों खड़े हुए? मैं पापी हूँ प्रभु, मेरे साथ ऐसा होना ही सही है। मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ ऋषिवर। प्रभु, भगवान शिव की पूजा के लिए मुझे सोने चांदी की आवश्यकता थी, जिसे पाने के लिए मैं राजा अमय के पास पहुँचा और वहाँ मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा ऋषिवर, किंतु आपको शिव की नहीं मेरी पूजा करनी होगी। मुझे अपना भगवान समझिए। क्षमा राजन, मैं ऐसा करके अपने शिव का अपमान नहीं कर सकता। तो जा पाखंडी, जाकर अपने शिव से ही सोना चांदी मांग। हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। राजा अमय के वो कड़वे शब्द मेरे लिए असहनीय होते जा रहे हैं प्रभु। मैंने अपने शिव के लिए ऐसी बातें सुन कैसे ली? मेरे महादेव का अपमान मैं छोड़ूंगा नहीं उस राजा को। शांत नंदी, राजा अमय कोई दुष्ट पापी नहीं, वो अभी अहंकारी हुआ बैठा है। हमें तो बस उसके अहंकार को तोड़ने की आवश्यकता है। आप चिंता न करें ऋषिवर, आपकी पूजा होगी, वो भी राजा अमय के हाथों। ओए,
तुम जीत गए अगम। जैसे कृष्ण भगवान ने गेंद से खेलते हुए कालिया नाग को मारा था, वैसे ही हम राजा अमर के अहंकार को भी मारेंगे। अब क्या करना है प्रभु? ये करना है, बोलो अलख निरंजन। अलख निरंजन। महामंत्री, आज भिक्षा मांगने कोई भिक्षु नहीं आया। अलख निरंजन। अलख निरंजन। आप महान है राजन, इधर आपने भिक्षा की बात की और उधर भिक्षुक आ गए। बोलो ऋषिवर, क्या मांगते हो? ऋषि मुनियों के आने पर पहले स्वागत होता है राजन, तुम तो भिक्षा देने की बात करने लगे। बेकार की बातों से समय नष्ट मत करो ऋषि, बोलो क्या मांगते हो? सुना है राजन, तुम अपने आप को भगवान समझने लगे हो, अपनी पूजा करवाना चाहते हो। सही सुना है। हम तुम्हारी पूजा करने को तैयार है राजन, किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको मेरे सर के इस एक बाल के वजन के बराबर सोना चांदी देना होगा और हमें भर पेट भोजन भी करवाना होगा। कहिए स्वीकार है? ओ ऋषि, मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगते जिससे तुम्हारा जीवन बदलता। महामंत्री, दोनों शर्तें पूरी की जाएं। तो प्रतीक्षा कैसी महामंत्री? सिक्का डालिए और बाल का वजन कर दीजिए। जी महाराज। क्या तुम लोगों को मोदक बनाने आते हैं? जी महाराज। तो बना कर लाओ पुत्र। जो आज्ञा ऋषिवर। मुझे तो गुड़ के लड्डू खाने हैं। मुझे तिल के लड्डू और मोदक खाने हैं। मेरे और इनके लिए भुजिया और आलू की सब्जी लाइए हलवे के साथ। और मेरे लिए वो सब लाइए जो सबने मंगवाया है। जो आज्ञा ऋषिवर। अधिक खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है नंद ऋषि। जब तुम्हारा पेट गड़बड़ करे तब बताना, वैद्य को बुला लेंगे। इससे भी बड़ा तराजू लाओ। जाने कौन ऋषि है ये, कितना खाते हैं? आज तो बुरे फंसे। राजकोष खत्म हो गया तो क्या हुआ राजन? अपनी राजगद्दी, आभूषण और इस मुकुट से भी तो तोल सकते हो मेरे बाल को। महामंत्री, राजगद्दी लाओ। जो आज्ञा प्रभु। अरे पुत्र, थोड़ा जल्दी जल्दी लाओ, भोजन कब का खत्म हो गया है। प्रभु, ऋषि के बाल वाला पलड़ा तो ऊपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा। उठ जाएगा मंत्री जी, उठ जाएगा। राजन की पत्नी के गहने जो बचे हैं, ले आओ। क्यों ऋषिवर? अब मैं क्या कहूँ नंद ऋषि, ये जाने और इनका काम जाने। हाँ मंत्री। हमें यहाँ क्यों बुलाया है महाराज? रानी, हमें आपके आभूषण चाहिए। किंतु किंतु परंतु का समय नहीं है रानी, आप आभूषण दीजिए। लगता है ऋषियों का पेट भर गया, तभी तो डकार ले रहे हैं। और लाओ पुत्र, हमें भूख लगी है। हे भगवान, अब कहाँ से लाऊं इनके लिए भोजन? प्रभु, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तो अब इस बाल का वजन कैसे होगा? महाराज, एक समस्या और है, इन साधुओं ने सारे अन्न भंडार चट कर दिए हैं, किंतु इनकी भूख शांत ही नहीं हो रही है। प्रभु, मुझे लगता है हमें प्रजा से धन और अन्न की वसूली करनी चाहिए। ये प्रजा के साथ अन्याय होगा महामंत्री। ये अन्याय नहीं प्रभु, एक राजा का अपने राज्य के प्रति कर्तव्य होगा। इन ऋषियों के अपमान से बचने का अब यही एक तरीका है प्रभु। ठीक है महामंत्री, वसूली कीजिए। जी महाराज। प्रजा का धन भी चढ़ गया, किंतु बाल का वजन नहीं हुआ। अब क्या करूं? हाँ।
नहीं, ये नहीं हो सकता। राजन, साधुओं के भेष में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है जो आपकी परीक्षा ले रही है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, इनसे क्षमा मांग लीजिए। रुक क्यों गए पुत्र, भोजन लाइए। साधु भूखे हैं। हाँ, भूखे हैं, भोजन लाओ। क्षमा करें प्रभु, प्रजा से लाया अन्न भंडार भी खत्म हो चुका है। क्या हुआ राजन, तुम तो भक्तों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकते, कैसे भगवान हो तुम? क्षमा, क्षमा करें प्रभु, मैं अहंकार में आकर ये भूल कर बैठा। आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। मुझे अपना परिचय दे प्रभु। क्या कहते हैं ऋषि भाइयों? प्रभु ये कह रहा है कि जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु। राजन, यदि तुम अहंकार से दूर रहना चाहते हो तो अपने चारों ओर सच्चे मित्रों और सच्चे सलाहकारों को जगा दो, चापलूसों को नहीं। मैं अपनी भूल सुधारूंगा प्रभु, और अपनी प्रजा से माफी मांगते हुए उनका धन लौटा दूंगा, और जिन ऋषिवर को पूजा के लिए मना किया था उनकी पूजा भी करवाऊंगा। किंतु भगवान, जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो सब तो आपने खत्म कर दिया। तो अब मुझ पर इतना झूठा दोष मत लगाइए माते, मैं दोषी नहीं हूँ। महाराज, महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। अन्न के खाली भंडार यकायक भर गए। बाल गणेश की जय, बाल गणेश की जय। रुक जा गम, पिछली बार क्या हुआ था तुझे याद है ना? अगर नंदी को फिर से गुस्सा आ गया तो तुझे ऐसी मार मारेगा कि तू जो टूटा फूटा बोलता है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तुझे मजा आ रहा है? अरे मजा सजा में बदल जाएगी यार। मुझे सामने आए, यहाँ नीचे। हा? नीचे वो गलती से आपको लग गई, क्षमा करें। मूर्ख, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। अरे मूषक, तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं प्रभु, मैं भी नहीं जानता ये कौन है। चंचलासुर, चंचलासुर नाम है मेरा, और तूने मुझे जगा के बहुत बड़ी गलती कर दी है मूर्ख। मैं तुझे यही मार दूंगा। चंचलासुर। अरे ये भी कोई नाम हुआ, चंचलासुर। तेरा ये दुस्साहस, तू है कौन? मैं हूँ बाल गणेश। चलो अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, शुरुआत तुमसे ही करता हूँ, और फिर तुम्हारे पूरे परिवार को मार के कैलाश पर राज करूँगा। चंचलासुर, पहले मुझसे तो निपट, फिर मेरे पिता के पास जाना। अरे बालक, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? पहले अपनी ताकत
और मेरी ताकत तो देख, देखा मेरी ताकत का पराक्रम। चंचलासुर, अगर यही ताकत तुम लोगों की भलाई में लगाते तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाता। तू मेरा उद्धार करेगा? मारो मारो, मेरी अंतर इच्छा है कि तुम मुझे मारो। चंचला, अरे रे, क्या क्या हुआ? चंचला तू तो गया। चंचला सुर, मेरे भक्त जब भी कुछ दिल से मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ, बस सिर्फ श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। तूने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। जिंदा हूँ तब तक कोई बाल गणेश को कष्ट नहीं पहुँचा सकता। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक तो है बाल गणेश? नंदी, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। जी प्रभु। प्रभु मुझे नीचे उतारिए। आओ मुशक, आओ। प्रभु बहुत भूख लगी है, चलो ना घर जाके माँ के हाथों के मोदक खाएं। मोदक? चलो। अरे मेरे लिए रुको। अरे अगम, कितनी बार कहा है नंदी को गुस्सा मत दिला, पर तू मेरी बात सुनता कहा है? अब लटके रहो यहाँ पर। क्या ऐसी बोल रहा है? बोलो बाल गणेश जी, बचाओ हमें। We'll be right back.